शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड की गिरफ्तारी के बाद से ही भौंचाल मच गया था शिल्पा शेट्टी के घर पर, और उन्होंने अकेले काफी स्ट्रॉन्गली सभी चीजों को संभाला था। किस तरीके से वो इस मुश्किल समय से गुजरी है और क्या रही है उनकी इंस्पिरेशन, उन्होंने किया है शेयर, तो बताते हैं आपको खबर डिटेल में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शिल्पा चौहान और आप सभी का स्वागत है फिर एक बार मूवीज अड्डा में। हम सभी जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही काफी हताश हो गई थी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, बट उन्होंने अपने आप को समेटा एंड शी केम अक्रॉस एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। आपको बता दूं कि पहले तो उन्होंने सुपर डांसर पर कमबैक किया और उसके बाद उन्होंने स्ट्रॉन्गली जो सारे ट्रेडिशंस वो मनाती है, रिचुअल्स मनाती है, वो उन्होंने खुद मनाया, और उसके साथ साथ वो वैष्णो देवी भी गई थी और वाकई उनकी मन्नत जो है वो हो गई कबूल और उनके हस्बैंड राज कुंद्रा को बेल मिल गई है। आपको बता दूं कि नम आंखों के साथ राज कुंद्रा लौटे हैं घर, और उसके बाद शिल्पा शेट्टी ने बताया कि आखिरकार इस मुश्किल दौर को उन्होंने कैसे गुजारा किया। आपको बता दूं कि शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया है एक कोट जिसमें कहा गया है कि बैड टाइम्स यानी मुश्किल दौर जो होता है वो किसी को भी पसंद नहीं होता है, और ये बहुत ही आम सी बात है, सभी को खुशियां मनाना पसंद है, पर इस मुश्किल दौर से जब हम गुजरते हैं तो हम निखर कर निकलते हैं, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो इसी तरीके से शिल्पा शेट्टी ने एक कोट शेयर किया है जहां पर क्लियरली बताया गया है कि बैड टाइम्स शेप योर लाइफ। तो इसी तरीके से शिल्पा शेट्टी ने भी लेसन लर्न किया है। दोस्तों क्या कहना है आपको शिल्पा के इस लेसन लर्निंग के बारे में, और आपने क्या सीखा कि किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग वुमन जब खड़ी होती है तो बाकी सब ठीक महसूस नजर आता है, बट ऐसा नहीं होता है। क्या कुछ आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दिस इज शिल्पा चौहान साइनिंग ऑफ।